सुचिता जी चीज प्लीज बोलिए, जवाब देता हूँ। पहली बात अभी बात कर रहे थे जंगल राज की, आप याद कर लीजिए इनका शासन समाजवादी पार्टी का जो प्रकार का जंगल राज था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सिर्फ माफिया का राज था, उनको कौन से मुझसे अधिकार है जंगल राज की बात कर। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, आप किसी व्यक्ति ने गलत किया अगर झंडा हटाया, बिल्कुल किसी भी व्यक्ति ने क्या गलत कर रही थी, उसकी सजा कोई उसको मौत करके दे देगा, उसकी हत्या करके हो जाएगी, ये किसने किसी को राइट दे दिया। तीसरी बात, उनके धर्म गुरु कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, वो अगर ये कहेंगे कि और क्या मिलेगा, मतलब आप तो हत्या को उकसा रहे हो। चौथी बात, आप हत्या के ऊपर कोई भी आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है और एनकाउंटर पे आप सवाल कर रहे हो, तो ये किस प्रकार का आपका व्यवहार है? आप क्या देश की जनता को या राज्य की जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके इसी बर्ताव के कारण आप जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हो, और ये पीडब्ल्यूडी का एक्शन है। अगर इलीगल पीडब्ल्यूडी का अधिकार वैलिड पॉइंट है, इसमें कहां से आपको आ गए? आप बात कर रहे हैं सुचित्रा जी, इनकी जो मानसिकता है पूरा देश देख रहा है, सिलेक्टिव एक्टिविज्म, उनको लगता है उस चीज का विरोध करेंगे, उनको लगता है जो चीज उनको समर्थन करेंगे उसके साथ खड़े रहेंगे, ये किस प्रकार का बर्ताव है? लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो सरकार अपना काम करेगी करेगी। आपका जंगल राज याद कीजिए और फिर देश की जनता यूपी की जनता को जवाब। वैलिड पॉइंट रोहन गुप्ता बोल रहे हैं, सुनिए अनुराग जी, वो कह रहे हैं जब हत्या हो गई राम गोपाल मिश्रा की, तो उस हत्या पर आपने ना तो कोई बयान दिया, ना आपने कहा यह हत्या गलत है और जिन्होंने हत्या की उन्हें सलाखों तक पहुंचाई है, लेकिन जब एनकाउंटर हुआ वो भी पैर में गोली लगी तो उस एनकाउंटर पर हत्या एनकाउंटर ये सब चिल्लाने लग गए, आप हथियारों के साथ समर्थन में खड़े हो गए। अनुराग जी डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी की वजह से और उनकी नाकारापन की वजह से, गैर जिम्मेदारान की वजह से हमारे बीच में आज राम गोपाल मिश्रा जी नहीं है। अगर सर अगर पुलिस चौकन्नी होती होती तो जब जुलूस निकल रहा था उसी समय पुलिस वाले खेल लेते और आरोपी अरेस्ट हो जाते और हमारे राम गोपाल मिश्रा जी हमारे आपके बीच में होते, जिसके मतलब पुलिस वहां थी नहीं, मौजूद थी नहीं। अगर पुलिस थी तो पुलिस घर के आ रही थी, फिर वो ऊपर चढ़ गया तो पुलिस ने क्यों नहीं उस घर में घुस के उस घर के लोगों को पकड़ा और उसको पकड़ के नीचे उतारा, इसके मतलब पुलिस उदासीन हो गया, आंख बंद करके सो गई थी क्या? पुलिस सो गई थी क्या? और पुलिस सो गई थी डबल स्टैंडर्ड मत अपनाइए, एक स्टैंड लीजिए। मैं एक बार एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ कि पुलिस वालों पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब वहां पर एक बड़ी बैठक आज लखनऊ में हुई और उस लखनऊ की बैठक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, उसके बाद डीजीपी सर आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहराइच हिंसा में उस पर एक्शन में कैसे है सरकार, इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, सीएम योगी ने ताजा हालात पर चर्चा की है और उस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल थे जिनको आप इस तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, वो भी इस बैठक में मौजूद थे, उनकी तस्वीर आपने बहराइच में भी देखी क्योंकि वहां उन्हें भेजा गया था। अब डीजीपी ने मुख्यमंत्री को हिंसा की रिपोर्ट भी सौंपी है और ये भी कि रिपोर्ट में अफसरों की लापरवाही का जिक्र है। अनुराग जी जो बात आप कह रहे थे, रिपोर्ट के आधार पर अफसरों पर गाज गिरने वाली है, जो जो लोग वहां काम उस समय बहराइच में इस हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पाए उन पर गाज गिरना स्वाभाविक है। अभी तो कई अफसरों को हटाया गया है लेकिन 45 मिनट तक चली इस बैठक में कहा जा रहा है कि कुछ और अफसरों पर भी एक्शन हो सकता है। अब मैं ये पूछ रही हूं डीजीपी सर आपसे, क्योंकि बहराइच में अनुराग भदौरिया बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वहां उस समय पुलिस एक्टिव होती तो शायद राम गोपाल मिश्रा की हत्या भी नहीं होती और वहां पर शायद हिंसा भी नहीं फैलती। आपको लगता है ये, क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ और अफसरों पर भी गाज गिरेगी? निश्चित गिरेगी, और मैं अनुराग जी के परामर्श देना चाहूंगा, 2014 के मुजफ्फरनगर दंगों को याद कर लें, जितना विभत्स भयानक दंगा हुआ था, क्या उसमें इसकी 1/10 कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आपने कमीशन बैठाया, कमीशन की एक संस्तुति न मानने योग्य थी, न उस पर कोई कार्रवाई करना, उसकी बात करें। हमारे राजनीतिक मित्र भ्रम की स्थिति उत्पन्न करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने जो ऑब्जर्वेशन उसने कहा था इलीगल कंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं होंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे बुलडोजर चल सकता है, उसको कोट कर ले जरा, भली भांति अगर पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी तो ज्यादा अच्छा डिबेट होगा। तीसरी चीज, हत्या हत्या हत्या, अरे पुलिस की गोली में तो घायल हुआ, हत्या कहाँ हुई? जहां हत्या हुई उसके बारे में एक शब्द आलोचना का नहीं किया जा रहा है, न उसकी निंदा की जा रही है, चट्टान की तरह हथियारों के बचाव में लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल डीजीपी सर कह रहे हैं अनुराग जी जिसकी हत्या हुई उसके बारे में नहीं है,
सभा, जो हत्या जिसको एनकाउंटर में गोली लगी उसकी हत्या कैसे? मैंने तो बार बार बोला और बार बार बोला हूँ सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की गलती की वजह से हमारे बीच में आज रामपाल मिश्रा जी नहीं है। दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, अचानक जब कोई घटना हो जाती है तभी सरकार को याद आता है इसकी टाइमिंग का निर्णय आप नहीं करेंगे, अवसरवादिता नहीं करेगी, सरकार के अधिकारी क्या करते रहते हैं, लोकप्रियता नहीं करेगी। हालात होंगे सुनिए, तब होगा रोहन गुप्ता जी और सैयद जवाब जी रोहन गुप्ता जी और सैयद जवाब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जहां पर हत्या हो गई, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, उस हत्या के पीछे जो हत्यारे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, वहां पर भी पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की जवाबदेही है, उससे कोई बच भी नहीं सकता है सैयद जवाब। लेकिन पुलिस के जवाबदेही के साथ उन हत्यारों पर बोलने से क्यों बचते हैं राजनीतिक दल भाई? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के हैं। अभी रोहन गुप्ता जी ने कहा वहां वोट बैंक दिखता है, वोट बैंक दिख रहा है इसीलिए नहीं बोल रहे। सुचारता जी, नहीं नहीं, ये मैं तो कह रहा हूँ ये दंगा इसीलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी। हाँ। अभी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में मैं कह रहा हूँ चलिए, और अगर ये बात बताइए अगर कोई हत्यारा है मतलब तो सियासी दंगा है, वोट करेगा या सरकार अपने आप ही सुनिश्चित कर लेगी कि ये हत्यारा है? आप बताइए मुझे, दंगा हो जाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। सरकार के देख रेख में, अगर देखिए जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और दंगा हुआ था तो अखिलेश यादव रिस्पॉन्सिबल थे। आज अगर बहराइच में दंगा हो रहा है तो कौन फिर जिम्मेदार होगा? यही मैंने पूछा, आप बताइए ना। यही, और 2013 में जब दंगे का कानून आ रहा था, लॉजिक से मैंने सवाल पूछा। सुनिए, ठीक है, पहले बोलिए। हाँ तो मानिए और नैतिकता, मैं कह रहा हूँ जब 2013 के अंदर दंगे के लिए कानून हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही थी। लेकर के आई आप थूक जिहाद पे तो कानून बना रहे हैं, आप जो है ठेला लगाने पर फल और सब्जी वालों पे कानून लेकर के आ रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। आप दंगे के ऊपर कानून के अंदर संशोधन करिए कि अगर कहीं पर भी दंगा होता है तो उनके घर वालों को 50 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मैं तो एक चीज कह रही हूँ, डीएम आपने और लोकल कहा, अनुराग जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सियासी जहां दंगा हो रहा है वहां पर सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो अभी सैयद जवाब जो कह रहे हैं अनुराग जी कि जब अगर मुजफ्फरनगर दंगा हुआ तो आपकी सरकार भी निकम्मी थी, आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, अगर आप हाँ कहते हैं तो यहाँ भी हाँ है, अगर वहां ना है तो यहाँ भी ना है। भारतीय जनता पार्टी की तो अपनी की तो अपनी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयारी नहीं होती है। अगर आपने वहाँ पे ठीक से व्यवस्थाएं की होती और तो आज तो नौबत नहीं आती ना, ये नौबत आ रही क्योंकि सरकार फेलियर है। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, तो आपकी सरकार नाकाम हुई है कानून व्यवस्था बनाए रखने में, तो आप मानोगे? एक बात। दूसरी बात, आपके अधिकारी क्या करते रहते हैं, फिर अचानक इलीगल प्रॉपर्टी दिखाई देने लग जाती है तो लोकल अथॉरिटी मतलब। मेरे को लगता है मैंने एक बहुत बड़ा खुलासा शो के शुरुआत में दिखाया जिसमें मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहा था। मुझे लगता है जिन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि जहां जो दिखे उसे काट दो, उसे मार दो, उन पर बोलने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, क्योंकि ऐसे लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों जो ये कहे मार दो काट दो, वही हिंसा फैलाते हैं, वही इस तरह का द्वंद फैलाते हैं, और वो उनकी समाज को जरूरत नहीं है इस तरह के विवाद की। इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत जुड़े।